चलिए, तकनीकी समस्या के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उनसे जुड़ें। तब तक लिए आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में आखिरी चंद्र ग्रहण देखा गया। भारत में भी जो है चंद्र ग्रहण के असर देखे गए और भारत के ईटानगर में जो है वहां पूर्ण चंद्रोदय के साथ ग्रहण समाप्त हो गया है। न्यूयॉर्क और सिडनी में भी ब्लड मून देखा गया है और ऐसी ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण के असर नजर आए हैं। अलग अलग दुनिया के हिस्सों से चंद्र ग्रहण से जुड़ी तस्वीरें हम देख सकते हैं। तो बता दें कि चंद्र ग्रहण जो है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण था ये, और सिर्फ भारत में ही नहीं, देश के अलग अलग, माफ कीजिएगा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके आसार देखे गए हैं। और इसी के साथ सोमेश शर्मा जी से हमारा संपर्क फिर से बन गया है। सोमेश जी, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में चंद्र ग्रहण देखा गया है, साथ ही भारत में भी इसके असर देखने को मिले हैं, और अब क्योंकि चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है तो अब क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो भी सभी को बहुत स्वागत है। चंद्रयान समाप्त हो चुका है, मोक्ष हो चुका है। अब बात आती है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। जी, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि दानम पुण्य महती का गुरु ग्रहणास्त पर्व, यानी कि पर्व काल के बाद में दान पुण्य स्नान आदि का हमको कार्य करना चाहिए। दान पुण्य आदि करने से जो हमारे ग्रह जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। इसी के साथ बता दें कि दुनिया भर में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से चंद्र ग्रहण से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। भारत में भी इसके असर देखने को मिले हैं और अभी हमने पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कहा कि चंद्र ग्रहण के बाद जो है दान पुण्य का विशेष महत्व होता है जो ग्रहण के प्रभाव को कम करता है, और ग्रहण से कोई विपरीत असर ना हो हम पर